नंबर वन, लाइव पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। आज की हमारी पहली क्लिप में आप देखोगे कि दो दोस्त एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड यूजुअली ये दोनों अपनी लिविंग एरिया में रात के 1-2 बजे के टाइम में लाइव स्ट्रीम करते होते थे, लेकिन इनकी ये वाली लाइव स्ट्रीम बाकियों से काफ़ी अलग साबित होती है जब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके पीठ पीछे होना शुरू हो जाती है जिनको अच्छे से रियलाइज़ करने के बाद वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उस दिन तो छोड़िए अगले काफ़ी दिनों तक उन्होंने कोई लाइव स्ट्रीम नहीं करी थी। ध्यान से देखोगे तो यू विल सी कि सबसे पहले फ्रिज का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। बट ये दोनों बॉयज ये सोच रहे थे कि शायद इनके घर में से कोई उठकर पानी वगैरह लेने आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जब ये दोनों उठे अपनी जगह से तब इनका कुछ फर्नीचर भी अपनी जगह से इधर उधर हिलना शुरू हो गया था अपने आप से, विच वॉज अ रियली क्रीपी मेस। बट एज ऑलवेज, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? नंबर टू, द सडन वेलकम। इस वीडियो को एक टिकटॉक यूज़र ने शेयर किया था जो एक मिरर वीडियो बना रही थी अपने न्यू हेयर स्टाइल को शो करते हुए, एंड इतने में ही उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था कि इतने समय तक इनको हॉन्ट करेगी कि वो मेंटली तक अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी उस चीज़ से। सडनली कुछ बैंग साउंड्स इनको क्विक नाइटमेयर्स दे देती हैं, लेकिन जब ये उन साउंड्स को फॉलो करते करते अपने घर के एटिक एरिया तक गई तब एक क्रीपी सा क्रिएचर इनको वहाँ पर नज़र आता है, वो भी रोम अराउंड करते हुए एंड इनकी तरफ ही आते हुए। एंड ना ही वो किसी इंसान जैसा लग रहा था एंड ना ही किसी जानवर जैसा। एंड इस यूज़र के पैनिक से पता चल रहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नज़ारा वो भी अपने घर में अपनी फार इमेजिनेशन में भी कभी नहीं सोचा था। बट मैं आप लोगों की राय जरूर सुनना चाहूँगा यहाँ पर कि वो क्रिएचर आखिर था क्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोस्ट बेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल आईपीएल चल रहा है, पर आपके पास मौका है कि आप यहां से पैसे भी कमा सकते हो। एंड्रू रसल तक इनके ब्रांड एंबेसडर हैं। आपको बस इसमें प्रेडिक्ट करना है कि कौन मैच जीतेगा। इवन आप इसमें बॉल्स ओवर पे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने रन जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, कबड्डी, सेक्टर जैसी गेम्स पे भी आप प्रेडिक्ट करके मनी अर्न कर सकते हो। इवन यहां पर आप मैच को भी देख सकते हो। मोस्ट बेट में आप इंस्टेंटली डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं जीपे, फोन पे, पेटीएम, सेक्ट्रा के थ्रू। इसमें आपको कैसीनो गेम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक थिएटर, लाइव कैसीनो एक्सेट्रा। करोड़ों लोग मोस्ट बेट पे खेल रहे हैं और पैसे जीत रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साइन अप करें एंड यूज करें मेरा प्रोमो कोड हैप्पी और पाए मोटर बाइक, लकी ड्रॉ गिफ्ट, साइंड मर्चेंट टी शर्ट एक्सेट्रा जीतने का मौका भी। लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट विद आंद्रे रसल एंड मोस्ट बेट एंड जीते एक्साइटिंग प्राइजेस भी। नंबर थ्री, हॉरिफाइंग फैमिली मेंबर। इस वीडियो को जेकब नाम के एक पर्सन ने शूट किया था। रिसेंटली अप्रैल 16 को जेकब ने फिर से कुछ पैरानॉर्मल अकरेंसेज अपने घर में फील किए एंड रिकॉर्ड करना भी उन चीज़ों को शुरू कर दिया उन्होंने। एंड जेकब को ये तक भी फील होता है कि उस मिडनाइट इनको काफ़ी अननोन एंड वियर्ड थपिंग साउंड्स आती हैं अपने एडजेसेंट रूम से। एंड ये वही रूम था जहाँ इन्होंने अपने घर का सबसे स्केरी एंड हॉन्टेड सदस्य यानी एक ऐसी डॉल भी रखी हुई थी जिसका नाम था जेफरी। एक बार थोड़ा गौर से देखना इस वीडियो में क्या चीज़ कैप्चर हो गई थी। Thank you.
इनके घर में से, इनकी स्टेयर्स में से डेफिनेटली हम काफ़ी सारी साउंड्स को सुन सकते हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज़ और नोटिस करी कि इनका जो क्लाउन डोल है जेफरी, वो वीडियो की स्टार्टिंग में तो कुछ इस पोजिशन में बैठा था, लेकिन जब जेकब के सामने पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तब अचानक उस डोल का फेस उनकी तरफ हो चुका था, विच वॉज रियली क्रीपी वंस अगेन। इस घटना के बाद जेकब जेफरी को अपने बेसमेंट में छोड़ आते हैं ताकि ये सब घटनाएं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर पाएं। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक मूविंग हिडन कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया था। एंड जब उन्होंने अपने उस कैमरा की फुटेज को देखा तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ कभी चैन से सो भी पाए होंगे। सबसे पहले तो इस फ्रेम में जेफरी अपना हाथ खुद से मूव करता हुआ दिखाई देता है, एंड देन उसके बाद अचानक से इनके बेसमेंट में लगी एक लाइट भी ब्लो अप हो जाती है। एंड इतना ही नहीं, कुछ क्रीपी अननोन वॉइसेस भी फिर से हियरेबल थी इनके फ्रेम में, एंड वो श्योरली आप लोगों ने भी सुन ही ली होंगी। एनीवेज, आपके क्या थॉट्स हैं जेफरी एंड जेकब के इस हॉन्टेड रिलेशन के ऊपर? कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर शेयर करना। नंबर 4, अनप्लैंड ग्रेवयार्ड गेस्ट। इस वीडियो को मीगो नाम के एक पर्सन ने शूट करा था कुछ पार्ट्स में। एक दिन मीगो अपने फादर के ग्रेवयार्ड को विजिट करके घर वापस आते हैं, एंड आने के बाद उनको डेफिनेटली ये चीज़ फील होती है कि किसी चीज़ ने उनका पीछा जरूर करा है, एंड इसी वजह से वो काफ़ी चौकन्ना हो गए थे एंड वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। एंड विजिट के अगले दिन ही कुछ सटल येट पैरानॉर्मल अकरेंसेस उनको फील होना भी शुरू हो गई थी। Cerradas, mira. Esto viene sucediendo hace como una semana ya. Pues la verdad se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño que estén pasando cosas así. इस घटना के बाद भी चीज़ें रुकती नहीं है। फ्यू डेज लेटर जब ये एक रात थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे थे तब कुछ ऐसा इनको फील होता है, एंड बाद में इनको पता चलता है कि कोई इनविजिबल चीज़ डेफिनेटली उनके घर में लर्क अराउंड जरूर कर रही थी। En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. इस पियानो वाली घटना के बाद नेक्स्ट नाइट इनको फिर से अब अपने किचन में से कुछ अजीब फिनोमिनम देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि उस वीडियो क्लिप में ज़्यादा कुछ नहीं आया था तो मैं आपको वो नहीं शो कर रहा, लेकिन दो दिन बाद इनके किचन एरिया में से इनको फिर से कुछ डिस्टर्बेंसेज आती हैं, एंड इस बार जो चीज़ें कैप्चर हुई इनके कैमरा में दैट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। देखिए एक बार ध्यान से।
क्लियरली हम सुन सकते हैं कि किसी चीज़ ने कोशिश करी थी इनकी तरफ फुल फोर्स के साथ आने में, लेकिन दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा था। तो क्या ग्रेवयार्ड विजिट के बाद से ही मीगो अपने घर में अकेले होने के बावजूद भी अकेले नहीं थे? आपके क्या थाट्स हैं इस बारे में? नंबर 5, लर्किंग विद द डेड। इस वीडियो को चेजिंग द डार्कनेस नाम के एक यूट्यूब घोस्ट एक्सप्लोरर ने रिकॉर्ड किया था, जो एक अबेंडन एंड कर्स्ड माने जाने वाली बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने गए हुए थे अपने एक दोस्त के साथ में। एंड वहां के एक कॉरिडोर को एक्सप्लोर करते करते जहां पर कहते हैं कि एक नर्स ने भी सुसाइड कर ली थी, उधर से इनको अपने डिस्टेंस में से काफी ज्यादा क्रीपी म्यूजिकल साउंड्स आना शुरू हो जाती है। एंड उस कॉरिडोर के एक टूटे हुए दरवाजे से में भी आपको एक काफी क्रीपी ब्लैक शैडो फिगर दिखाई देगी जरूर। तो थोड़ा सा गौर से जरूर देखते रहना वीडियो को, वरना शायद आप वो नजारे मिस ना कर बैठो। Anybody here? We just come to investigate this place. I know, man. So this doesn't feel right. So, dude, did you hear that? Dude. It's like footsteps? Footsteps. There's one in front of us. श्योरली आपने उस म्यूजिक को तो सुन ही लिया होगा, विच वॉज रियली स्केरी। लेकिन ये देखिए, ये क्रीपी सी फिगर भी वहाँ से जरूर जाती हुई दिखाई देती है, जो बाद में इन्हें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिली। वहाँ से जाते जाते भी इनको फिर से कुछ अननोन फुटस्टेप्स भी आती हैं अपने आसपास से। लेकिन अगेन, उन सारी चीज़ों का, उन सभी चीज़ों का जो इनके साथ हुई, उनकी सोर्सेज आज तक एक मिस्ट्री हैं और शायद हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही रह जाएंगी। हालांकि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर? नंबर 6, कैप्चरिंग द हॉरर। इस वीडियो को एक ऑफिस सीसीटीवी कैमरा में से रिकॉर्ड किया गया था, एंड ये रिकॉर्डिंग रात के समय की है, जब सिर्फ एक ही एम्प्लॉयज ऑफिस में काम कर रही थी, बिकॉज वो अपना एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुकी हुई थी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क के चलते उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ें भी उनका इंतजार कर रही होंगी। सबसे पहले तो एक चेयर कुछ ऐसी मूवमेंट्स इनको शो करती है जैसे कोई उसका इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन उसके बाद इनके टेबल पे रखी एक वाटर बॉटल भी खुद से ही नीचे गिर जाती है। और मेनली तो आपने लास्ट वाला सिनेरियो जरूर देखा होगा, उसके अंदर एक ब्लैक फिगर इस एम्प्लॉय के पीछे आती है एंड उसको वो पुल करती हुई भी नज़र जरूर आती है। सो क्या सच में एक ईविल स्पिरिट इस बिल्डिंग के अंदर, इस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर लर्क अराउंड कर रही थी, या फिर एवरीथिंग इज़ जस्ट एक्सप्लेनेबल? अपने विचार भी जरूर प्रकट करना। नंबर 7, रेडिएशन ऑफ पैरानॉर्मल। इस वीडियो को एक रशियन पैरानॉर्मल टीम ने रिकॉर्ड किया था चेर्नोबिल वाले कोस्ट टाउन के पास में, जहां पर एक ऐसी हॉन्टेड बिल्डिंग थी जिसके अंदर कहते हैं कि न जाने कितनी सारी डेथ्स हुई हैं चेर्नोबिल वाले हादसे के दौरान। एंड इवन आज भी उस बिल्डिंग का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा क्रीपी है कि हर जगह से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी जिसके जाने के पास तक आपका मन नहीं करेगा। लेकिन जब ये लोग उस बिल्डिंग के वॉशरूम एरिया की तरफ गए थे, तो वहाँ पर उनको एक काफ़ी भयानक नज़ारा देखने को मिलता है, विच वॉज जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। देखिए एक बार ध्यान से। वहाँ पर क्लियरली हमें एक वाइट एपरेशन बिल्कुल मोशनलेस खड़ी हुई दिखाई देती है, एंड इस रिकॉर्डर ने बताया कि बाद में इसको वो चेक करने भी गए थे एंड तब उधर कोई नहीं था। तो क्या सच में चेर्नोबिल की कुछ डार्क मेमोरीज आज भी इस बिल्डिंग में कैद हैं? आपको क्या लगता है? एंड अगर दोस्तों, अगर आप इसी तरह से फ्यूचर में भी ऐसी हॉन्टेड एंड स्केरी वीडियोज़ इन्जॉय करते रहना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, ताकि आने वाली कोई भी हॉरर डोज आप कभी भी मिस ना कर बैठो।